हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। तीन कलाकार ऐसे हुआ करते थे जो टीवी से लेकर सिनेमा में हमारा खूब मनोरंजन किया करते। कोई 90 के दशक में दूरदर्शन पर अदाकारी से दिल जीत लेता तो कोई नए दौर के टीवी और फिल्मों में एक्टिंग कर हमारे दिलों पर राज किया करता। मगर आपको पता है इन तीन कलाकारों का अंत कितना दर्दनाक हुआ था? जी हाँ, ये तीनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगर आप तीनों की मौत की कहानी जान जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। तीसरे एक्टर की मौत तो सबसे दर्दनाक हुई। चलिए आज हम तीनों के दर्द भरे अंत की जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपने चक दे इंडिया देखी है? अगर हाँ तो उसमें हॉकी की कमेंट्री करके एक एक सीन में जिसने जान फूंक डाली थी उस अभिनेता को भी देखा होगा। बस नाम शायद पता नहीं होगा। वो रियो कपाड़िया थे। 1957 में पैदा हुआ एक अभिनेता जो टीवी से लेकर फिल्मों तक हर जगह अपनी छाप छोड़ देता था। रियो ने 90 के दशक से ही लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया था। एक मंझा हुआ एक्टर जो चरित्र अभिनेता होते हुए भी याद रह जाया करता। जैसे दिल चाहता है में मिस्टर शंकरन का किरदार रियो ने ही निभाया था। चक दे इंडिया में हॉकी के कमेंट्रेटर वाला उनका रोल भला कौन भूल सकता है, जो अपने लफ्जों से ऐसा सस्पेंस ला देते थे कि पूरा सीन देखने में मजा आ जाया करता। रानी मुखर्जी की एक फिल्म आई थी मर्दानी, उसमें जॉइंट कमिश्नर सिन्हा का किरदार भी रियो ने ही निभाया था। इसके अलावा शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर से लेकर कई फिल्मों में उनकी अदाकारी का जलवा दिखा। वैसे वो टीवी पर भी खूब छाए रहते थे। सपने सुहाने, लड़कपन के से लेकर कुटुंब जैसे शो में रियो ने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया था। इन किरदारों में उनका नई महाभारत में गांधार नरेश की भूमिका भला कौन भूल सकता है। पौराणिक संवादों में ऐसी पकड़ बहुत कम ही अभिनेताओं की होती है। रियो ने मारिया फरहा नाम की लड़की से शादी की थी। दोनों के दो बच्चे अमन और वीर हैं। मगर दोस्तों, क्या आपको इस बेजोड़ एक्टर की दर्दनाक मौत की जानकारी है? साल 2022 की बात है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। रियो के पास ढेरों ऑफर थे, वो शूटिंग में बिजी थे। बस उनके शरीर में थोड़ी परेशानी होने लगी थी। शुरू में तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में दर्द से लेकर कमजोरी बढ़ती गई तब जाकर चेकअप करवाया। रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ सामने आएगा। रियो को कैंसर हो गया था और वो भी चौथी स्टेज। हैरानी की बात है कि उनके शरीर में धीरे धीरे ये बीमारी फैलती जा रही थी और उनको एहसास ही नहीं था। इसके बाद उनकी कैंसर से लड़ाई शुरू हुई। लगातार इलाज चलता रहा, लेकिन बीमारी शरीर में फैलना रुक नहीं रही थी। साल भर में ही कैंसर ने उनकी हालत दयनीय बना डाली। बीमारी का पता लगने के बस साल भर के अंदर ही 14 सितंबर 2023 को रियो की दर्दनाक मौत हो गई। उनकी मौत ने पूरे बॉलीवुड से लेकर टीवी सितारों को हैरान कर दिया था। दूसरा कलाकार तो उस दौर में लोगों का मनोरंजन किया करता था जिस दौर में लोगों ने टीवी देखना शुरू ही किया था। जी हाँ, बात हो रही है बीआर चोपड़ा की महाभारत के एक किरदार की। आपको महाभारत के नंद बाबा याद हैं? वो यादगार रोल निभाने वाले एक्टर की ही हम बात कर रहे हैं। उनका नाम रसिक दवे था। 19 जून 1957 के दिन मुंबई में जन्मे रसिक के बारे में एक दिलचस्प बात आप जानते हैं? अरे, ये तो एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। रसिक तो वकील बनने की तैयारी में जुटे थे और LLB कर रहे थे। वो तो किस्मत खींच लाई अभिनय में और एक गुजराती फिल्म के डायरेक्टर ने 1985 में इनको अपनी फिल्म पुत्रवधू में रोल दे दिया। बस यहीं से इनकी जिंदगी ही बदल गई। फिर बीआर चोपड़ा महाभारत बनाने जा रहे थे, नंद बाबा की तलाश चल रही थी। गोरे चिट्टे सुंदर से दिखने वाले रसिक ऑडिशन को पहुंचे तो सबको पहली बार में ही पसंद भी आ गए। बस मिल गया रोल और किरदार ऐसा निभाया कि आज भी उस दौर के लोग नंद बाबा का नाम लेते ही उनकी छवि को याद करने लग जाते हैं। महाभारत से हिट हुए तो हिंदी फिल्मों से बुलावा आ गया।
1989 में आई ईश्वर फिल्म में रोल मिल गया। बस फिर रसिक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको विजय आनंद का 90 के दशक में आने वाला जासूसी धारावाहिक तहकीकात याद है? इसके अलग अलग एपिसोड में रसिक दवया कर खूब मनोरंजन किया करते। वहीं 90 के दौर के व्योमकेश बख्शी तो भूले नहीं होंगे, वही रजत कपूर वाला। इसमें इंस्पेक्टर रतिकांत चौधरी याद हैं, वो रोल रसिक दवे ही निभाया करते थे। वहीं अल्पविराम से लेकर एक महल हो सपनों का जैसे न जाने कितने मशहूर नाटकों में रसिक ने अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी। सिर्फ रसिक ही नहीं, इनकी पत्नी भी मशहूर अदाकारा हैं, केतकी जोशी दवे। उनको आपने क्योंकि सास भी कभी बहू थी से लेकर न जाने कितने शो में देखा होगा। दोनों की एक बेटी है रिद्धि दवे। मगर दोस्तों, रसिक की मौत के बारे में जानकर आप भी दुखों से भर जाएंगे। कुछ साल पहले इनको यूरिन में परेशानी होने लगी, शरीर कमजोर होने लगा, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पहले लगा कोई इन्फेक्शन होगा, मगर जब परेशानी बढ़ने लगी तो लगा कुछ गड़बड़ तो है। फौरन पहुंचे डॉक्टर के पास। डॉक्टरों को शक हुआ तो कई जरूरी टेस्ट करवाए गए। वहां से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। इनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ा आया। रिपोर्ट में पता लगा कि रसिक की दोनों किडनियां बहुत ज्यादा खराब हो रही थीं। इसके बाद काफी इलाज चला, मगर किडनियों को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। साल 2020 में इनको यूरिन पास होना ही बंद होने लगा। तब चेकअप में पता लगा कि इस बेमिसाल एक्टर की दोनों किडनियां फेल हो गई। अब बस एक ही रास्ता बचा, डायलिसिस का। उनको डायलिसिस की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। पहले हफ्ते में एक बार, फिर दो बार, और इसके बाद एक हफ्ते में तीन तीन बार पूरे शरीर की सफाई मशीन से होने लगी। जिंदगी मानो घर और अस्पताल के चक्कर लगाने में ही बीतने लगी। करियर भी बीमारी की वजह से खत्म हो गया। धीरे धीरे हालत बिगड़ती चली गई। रसिक बहुत परेशान रहने लगे। आखिरी समय में पत्नी से बोला करते कि मेरे जाने के बाद भी तुम काम करती रहना, छोड़ना मत। जुलाई 2022 का महीना। रसिक दवे की हालत बहुत दर्दनाक हो गई थी। उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया। वहां 15 दिन तक वो भर्ती रहे, डायलिसिस होता रहा, फिर अस्पताल वालों ने घर भेज दिया। 29 जुलाई 2022 को रात 8 बजे अचानक रसिक की तबीयत बहुत बिगड़ गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही इस एक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। तीसरा कलाकार एक अभिनेत्री थी जिनको आपने कई टीवी धारावाहिकों में देखा होगा। एक टीवी शो आता था कबूल है, उसमें एक औरत हसीना बी का किरदार निभाया करती थी। वो निशी सिंह भादली थी। उर्दू जुबान पर ऐसा कंट्रोल कि लोग पहचान ही नहीं पाते कि यह मुस्लिम औरत का किरदार निशी निभा रही थी। निशी ने पहली बार अपनी पहचान साल 2001 में आई फिल्म मॉनसून वेडिंग से बनाई थी। इसमें उनको डबिंग आर्टिस्ट के रूप में बड़ा ब्रेक मिला था। इसके बाद वो कई सीरियलों जैसे इश्कबाज, कबूल है, तेनाली रामा और हिटलर दीदी में अपनी बेजोड़ एक्टिंग से लोगों के दिलों में अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गई। वैसे निशी दिल्ली की रहने वाली थी। पहले दिल्ली के बाल भारती पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की, इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर थिएटर से जुड़ गई थी। यही उनकी मुलाकात एक्टर और राइटर संजय सिंह भादली से हुई थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली थी। निशी और संजय के दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। मगर दोस्तों, कौन जानता था निशी अपनी किस्मत में बहुत कम उम्र में ही दर्दनाक अंत लिखवा कर लाई थी। साल 2019 तक निशी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इन्होंने अपनी कास्टिंग कंपनी तक खोल ली थी। मगर फिर आया 13 फरवरी 2019 का दिन। अचानक अच्छी भली निशी को पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। किसी की समझ में ही नहीं आया कि ऐसा हुआ कैसे। फौरन पति ने उनको अस्पताल में भर्ती करवाया। वो किसी को पहचान ही नहीं पा रही थी। यहाँ 7-8 दिनों तक एडमिट रही। थोड़ा होश वापस आया तो परिवार वाले घर लेकर चले आए। कुछ समय बाद उनकी सेहत ठीक होने लगी, मगर फिर कोरोना की बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से उनके घर के आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए। कास्टिंग कंपनी भी ठप हो गई।
कोरोना ने पहले ही माली हालात बर्बाद कर दिए थे। इस बीच 3 फरवरी 2022 को उनको दूसरी बार लकवा मार गया। इस बार का अटैक बहुत बड़ा था। इस बार निशी सिंह का पूरा बायां हिस्सा ही खराब हो गया। पति ने दोबारा उनको अस्पताल में भर्ती करवाया, कुछ दिनों बाद फिर घर ले आए। बदकिस्मती देखिए, थोड़ी हालत सुधरी ही थी कि 24 मई 2022 को उनको तीसरा पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। फिर से अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। इस बार उनकी हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोज रोज अस्पताल और दवाइयों का बिल देते देते पति संजय भी कंगाल हो गए। बेटे को नानी के घर भेज दिया। बेटी ने पढ़ाई छोड़कर माँ की सेवा करनी शुरू कर दी। हालात इतने खराब हो गए कि उनके परिवार को सोशल मीडिया पर आकर इलाज के लिए मदद मांगनी पड़ गई। एक आध एक्टरों ने थोड़ी दया दिखाकर मदद भी कर दी, मगर सब बेकार रहा। अब तो बाथरूम तक उनको सहारा देकर ले जाना पड़ता। पूरे 110 दिनों तक वहां भर्ती रहने के बाद वो 2 सितंबर को घर पर लाई गई। हालत ऐसी हो गई थी कि पहचानना ही मुश्किल। अच्छी खासी सेहतमंद दिखने वाली निशी का शरीर सूख कर कांटे जैसा हो गया था। 16 सितंबर की बात है, उनका जन्मदिन था। परिवार वालों ने केक काट कर बर्थडे मनाया, मगर उनको क्या पता था 2 दिन बाद क्या होने वाला था। 18 सितंबर 2022 की बात है, निशी घर पर बैठी हुई थी। उन्होंने पति से बोला कि बेसन के लड्डू खाने का मन हो रहा है। पति ने उनको लड्डू दे दिए, मगर शाम होते होते उनकी सेहत बिगड़ने लग गई। फौरन अस्पताल ले जाया गया तो जांच में पता लगा कि खून में इन्फेक्शन खतरनाक हद तक बढ़ गया था। इस वजह से उनके दिल और दिमाग को खून की सप्लाई ही रुक गई। उनको बहुत बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बस 48 साल में ही निशी की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, क्या आपको ये 3 कलाकार याद हैं? इनमें से किसी का कोई शो, फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।